नमस्कार दोस्तों, बाजार इंफॉर्मेशन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिसलपुर बांध से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बिसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया के साथ ही निकटतम जलभराव क्षेत्र में सोमवार अलसुबह से एक बार फिर तेज बारिश का दौर चलने के कारण बांध में पानी की आवक तेज होने की संभावना बढ़ गई है। बांध के कैचमेंट एरिया में पड़ने वाले भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में हुई बारिश के कारण सोमवार को जलभराव में सहायक त्रिवेणी का गेज फिर से 80 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के साथ 4.20 मीटर चल पड़ा है, जिसको लेकर बांध में पानी की आवक बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। वहीं निकटतम क्षेत्र में हुई बारिश के कारण डाई नदी का गेज भी 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के साथ 2.70 मीटर दर्ज किया गया है। खारी नदी का गेज बारिश के अभाव में 0.20 मीटर स्तर बना हुआ है। सोमवार सुबह भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ क्षेत्र के जेतपुर बांध में 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी, जो पानी बिसलपुर बांध में आता है। हालांकि उन दोनों गेटों को दोपहर बाद वापस बंद कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के अनुसार बांध का गेज शनिवार सुबह 6 बजे तक 312.84 RL दर्ज किया गया था, जिसमें 21.679 TMC का जल भराव हो गया है। वही शाम 4 बजे तक 4 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के साथ गैर रविवार 8 बजे तक 312.92 RL दर्ज किया गया था, जिसमें 22.62 TMC का जल भराव था, जो 3 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के साथ शाम 6 बजे तक बांध का गैस 312.95 RL दर्ज किया गया है।